नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और मैं स्वागत करता हूं आपका किंग इन किचन में। आज मैं आपके लिए एक झटपट रेसिपी लेके आया हूं जो आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए बना रहा हूं मशरूम फ्राइड राइस। तो इसके पहले कि मैं आपको इसका रेसिपी दिखाऊं, मैं आपको मशरूम का कुछ बेनिफिट्स बता देता हूं। तो सबसे पहला बेनिफिट कि दे आर फैट फ्री, दे आर लो इन सोडियम, दे आर लो इन कैलरी एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री। तो जो भी वेट लॉस ट्राई कर रहे हैं या जिनको फैटी लिवर की शिकायत है, वो ज़रूर मशरूम अपने फूड में इंक्लूड करें। इसका दूसरा फायदा ये है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स पाई जाती है। और तीसरा फायदा इसका ये है कि मशरूम्स आर रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट कॉल्ड सिलेनियम। तो सिलेनियम क्या करता है कि ये आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मशरूम विटामिन बी में बहुत ही रिच है और ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये रहे दोस्तों मशरूम के बेनिफिट्स। अब मैं आपको इसकी रेसिपी दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लेंगे एक कप बासमती राइस। इसे आप 30 मिनट तक पानी में सोख कर लीजिए। इसके बाद फिर हम 1 लीटर पानी बॉईल करेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 तेज़पत्ते, 2 काली इलायची और 3 लौंग। जब पानी गर्म हो जाए तो हम इसमें सोख किया हुआ राइस डाल देंगे। और राइस डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे 1 लेमन का जूस। तो हम लेमन जूस इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये राइस को चिपकने नहीं देगा और इसे बहुत फ्लफी भी रखेगा। फिर हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट और फिर हम इसे 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि ये पका है कि नहीं। और ध्यान दीजिएगा कि इसे हमें सिर्फ 90% तक पकाना है। राइस 90% पकने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और फिर हम इसमें से जो हमने पहले तेज़पत्ता, लौंग और इलायची डाला था, हम उसे निकाल लेंगे। हम इसे इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें राइस में इसका बहुत ही स्मूथ फ्लेवर चाहिए। फिर हम एक छलनी की मदद से पानी को ड्रेन कर लेंगे। फिर हमें इस राइस को बिल्कुल ठंडा कर लेना है। तो हम चाहिए तो इसे फैन के नीचे रख के इसे बिल्कुल ठंडा कर सकते हैं। जब राइस ठंडा हो रहा हो, हम के लिए अपने वेजिटेबल्स पका लें। इसके लिए हमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल चाहिए। हमें हमेशा एक बड़ा वोक का भी इस्तेमाल करना है दोस्तों, क्योंकि इसे हिलाने में हेल्प रहती है। हम डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीकी से कटे हुए, फाइनली चॉप्ड गार्लिक, यहाँ मैंने 6 क्लोव्स का यूज़ किया है। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक गार्लिक ब्राउन ना हो जाए। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। पहले हम ऐड करेंगे फाइनली चॉप बीन 5 नंबर्स, 1 छोटा कैरेट फाइनली चॉप्ड, 1/4 कैप्सिकम बारीकी से कटा हुआ, 1/4 कप फ्रेश ग्रीन पीस। इसे हम बहुत ही हाई फ्लेम में इसे हम सॉटे करेंगे 2 से 3 मिनट तक। इसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें 150 ग्राम मशरूम, ये मैंने थोड़ा पतला काट लिया है। अब हम ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट। फ्रेंड्स, सॉल्ट डालते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें हम आगे ऐड करेंगे सोया सॉस जिसमें कि सॉल्ट पहले ही होता है। अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून लाइट सोया सॉस। फिर हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये सॉस अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम इसमें जो हमने राइस ठंडा करने के लिए रखा था, हम वो डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये राइस कितना ग्रेनी है। अगर आप लेमन जूस का इस्तेमाल नहीं करते तो ये चिपक के रह जाता। अब हम इसे हल्की हाथ से हिलाएंगे ताकि इसका ग्रेन टूट ना जाए।
हमने अच्छी तरह मिला लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका जो राइस है वो कितना दानेदार है। हम एक बार इसे टेस्ट कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सॉल्ट कम लग रहा है, मैं थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ और एक बार फिर से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। दोस्तों, हमारा फ्राइड राइस बनके रेडी हो गया है। आप इसे रायते के साथ या फिर गोभी मंचूरियन के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।